चलिए, हमने पार्ट वन वीडियो में देखा पूरा थ्योरी क्लास। पार्ट टू वीडियो आपका रहेगा टोटल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक, जो आपके मल्टीमीडिया से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे आपको विद्युत विभाग हो, चाहे सीजी व्यापम हो या पीएससी हो, कंप्यूटर के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट वन वीडियो हमने देखा, पार्ट टू वीडियो में आपका रहेगा टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप निरंतर प्रयास करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल पर बने रहिएगा। पहली बार आए तो क्या करोगे, चैनल को मैं बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि जब भी मेरा चैनल पर वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। और वीडियो क्या करते हैं जी, देखिए 500 लोग 600 लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट कितना आता है या फिर या पर लाइक कितना आता है, तो मैं कहूँगा आपको 20 से 25, 30 से 35 लाइक। तो ये समझ रहे हो ना, मतलब अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो मेरा परफॉर्मेंस आप सभी को नहीं मिलेगा। मतलब मैं डेली क्लास लेकर आ रहा हूँ और रिजल्ट यही आएगा तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मेंबरशिप में डालूंगा, यूट्यूब पर मैं अपलोड नहीं करूंगा, डायरेक्ट मेंबरशिप में डालूंगा। और बोल रहे थे कि मेंबरशिप वाले की क्लास मेंबरशिप में ही डाला करूँ करके, मैं इसलिए यूट्यूब पर अपलोड कर देता था ताकि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो चलो भाई तैयारी कर लो ऐसे करके, ठीक। तो चलिए फिर, आप सभी का परफॉर्मेंस इन वीडियो में आना चाहिए। पूरा मैं वीडियो लेकर आऊंगा 30 बाय 30, है ना, क्योंकि कंप्यूटर का 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में। तो मैं 30 30 क्रॉस 30 करूंगा तो 900, अगर 900 क्वेश्चन होता है, कितना क्वेश्चन है जी, 900 क्वेश्चन आप पढ़ लोगे, एग्जाम में ऐसे ही आएगा, गारंटी है। चलिए ठीक, क्लियर, समझ में आया, समझ में आया जी, क्लियर। चलो टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से कौन सा वीडियो संचार का एक प्रकार नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी MP3। मैं डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आपको मालूम है आंसर तो कमेंट करके बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ग्राफिकल सिस्टम में पिक्चर में पिक्सल की जो सारणी होती है उसको किस में स्टोर किया जाता है, तो उसको फ्रेम बफर, फ्रेम जानते हो, फ्रेम फ्रेम बफर में, ठीक, याद रखना फ्रेम बफर। एमपीजी पूरा मैं पार्ट वन वीडियो में पूरा बताया था कि एमपीजी होता है क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। टोटल मैं आपको कराऊँ तो पिछले वर्ष पूरा, मतलब जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं मल्टीमीडिया से, पूरा टॉपिक लेकर आया हूँ। मल्टीमीडिया के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मल्टीमीडिया होता क्या है, तो मल्टीमीडिया एक ऑडियो, वी से वीडियो, ए से एनिमेशन, ऑडियो वीडियो एनिमेशन टेक्स्ट चलचित्र ग्राफिक्स फोटो, ये सभी आपके मल्टीमीडिया में आते हैं, ठीक। और मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप को करने के लिए, कॉन्फ्रेंस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको मैं कहूंगा मूवी यानी कि वीडियो के लिए किया जाता है, ना कि इमेज के लिए। कई लोग इसका आंसर ले रहे हैं इमेज, लेकिन क्या है, देखिए जी, मल्टीमीडिया पूछा गया यानी कि एमपीईजी, एमपीईजी का फुल फॉर्म होता है मोनसन, मोनसन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, उसको वीडियो के रूप में किया जाता है। ये शिक्षक भर्ती 2019 में, CHPCL 2019 में, और सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछा गया, ठीक। मैं बात करूं निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज है जो फाइल फॉर्मेट नहीं है, तो IMG फाइल फॉर्मेट नहीं है, जबकि TIFF, PNG और GPG ये सभी आपके फाइल फॉर्मेट है। ये 2019 पटवारी में पूछा गया था। और मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखिएगा, कल के वीडियो में आपको कराया था यहाँ पर टॉपिक, ये देखेंगे यहाँ पर इमेज को GPG, GIF, BMP, TIFF, PNG, RAW कहा जाता है। पूरा एक्सटेंशन ने बता दिया हूँ कल के वीडियो में, पार्ट वन वीडियो में, ठीक। अगर पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, जाके आप वहां पर देख लीजिएगा। ये पूरा एग्जाम में पूछा गया है, ग्राफिकल इंटरचेंज, ज्वाइंट फोटोग्राफी, ये कल के वीडियो में आपको करा दिया हूँ पार्ट वन में, ठीक है। ये बीट मैप ग्राफिक्स ऑडियो यहाँ से पूरा पार्ट वन वीडियो में मिलेगा, इसका फुल फॉर्म पूरा पार्ट वन वीडियो में आपको पूरा ये चैप्टर वाइज करा दिया हूँ, ठीक, कि एनिमेशन होता क्या है, स्ट्रीमिंग होता है क्या है, ठीक। ये दो टॉपिक बच गया था, ध्वनि वाला, ध्वनि और मीडिया वाला, मीडिया वाला। तो मीडी का फुल फॉर्म होता है जी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस,
यह एक इलेक्ट्रॉनिक संगीत उद्योग है। ठीक, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक स्टैंडर्डाइज्ड है ना, तो इसके द्वारा माना ही ध्वनि उत्पादन होता है। ठीक, और ध्वनि मतलब वे तरंग जिन्हें हम सुन सकते हैं, ऑडियो की आवाज कहलाते हैं। ऑडियो मल्टीमीडिया का अभिन्न अंग। ठीक है, मैं आपको बताया था ना, जैसे सुनने की क्षमता होती है आवृत्ति परास वाला, मनुष्य की जो क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज किलो। ठीक, आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक, ये भी एग्जाम में पूछा गया, इसको थोड़ा नोट कर लो। 16:9 ये यूट्यूब का जो रेशियो होता है, ठीक है, रिसोल्यूशन, ये वाला आपको पूछा जाए 1280 से 720, इसको याद रखना, 1280 से 720 वाला। ठीक, और ये पॉइंट याद रखना, अगर 4:3 वाला पूछा जाए तो ये टॉपिक आप याद रखना, ये वाला 1024 से 768, इस टॉपिक को याद रखना है, ये वाला एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्ट्रीमिंग एक बार देखेंगे क्या। स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो डाटा की फाइल काफी मेमोरी से घिरी होती है, इंटरनेट पर इसकी स्थानांतरण यानी कि डाउनलोड होने में काफी समय लगता है। ठीक, चलिए आंसर देखते हैं, फिर डायरेक्ट और फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं, पूरा मैंने पार्ट 1 वीडियो में बता दिया था। ठीक, चलिए कहाँ पर आए थे हम लोग। यहाँ पर जी, यहाँ पर आए थे। चलिए, ये आपका सीजी व्यापा में पूछा गया, कोरल ड्रा, कोरल ड्रा क्या उपयोग करके बनाई गई छवियों के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो कोरल ड्रा का मतलब होता है सीडीआर, आप सभी को मालूम है सीडीआर। और ये बात बताइएगा कि सीडी सीडी की कंपा सीडी की जो भंडारण क्षमता है, डीवीडी का भंडारण क्षमता एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लू रे डिस्क का भंडारण क्षमता एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो आप लोग नोट करते चलेंगे। सीडी, तो सीडी की जो भंडारण क्षमता है, लाइव क्लास भी हम लेंगे जी, लाइव क्लास लेंगे। ठीक, कुछ दिन आप इंतजार कीजिएगा, लाइव क्लास भी लेंगे। भंडारण क्षमता सीडी का, कॉम्पैक्ट डिस्क का, इसका फुल फॉर्म होता है भंडारण क्षमता आपका हो जाएगा कितना, 700 MB, 700 MB, जबकि डीवीडी है ना, पूरा मैं सीरीज बाय सीरीज क्लास लेकर आऊंगा। ठीक, तो डीवीडी की जो भंडारण क्षमता है कितना है, 4.7 GB। अगर डबल में पूछा जाए, डबल लेयर में, तो आप बताएंगे 8.5 GB। ठीक, ब्लू रे डिस्क कितना है, आप लोग कमेंट करके बताएं। जबकि आपका एक और है सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क, और आपका ब्लू रे डिस्क का कहा जाएगा कितना है जी, 13 बाइट, 6 TB, ऐसा पूछा है क्या, आप लोग कंफर्म बताइएगा ब्लू रे डिस्क कितना है। याद नहीं आ रहा है मेरे को, थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक, ये बताइए कि जीपीजी में ग्रे स्केल तस्वीर का आकार क्या होता है, इसका 8x8 पिक्सल, 8x8 पिक्सल क्या होगा, कमेंट करके बताओ। फिर निम्न में से कौन सा यह प्रारूप नहीं जिसे छवि संग्रहित की जा सकती है, इसका आएगा EXE। ठीक, बी ए आंसर होगा, 2019 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक वैध इमेज एक्सटेंशन है, तो क्या आएगा आपका, GPEG, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, में बार बार बता रहा हूं, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ग्राफिक्स की श्रृंखला है जो गति का भ्रम पैदा करती है, जो ग्राफिक श्रृंखला है गति का क्या करेगी, एनिमेशन, एनिमेशन। ठीक, निर्देशांक और ज्यामिति का प्रयोग कर किस प्रकार की छवि बनाई जाती है, तो कौन से प्रकार की छवि बनाई जाती है, आपको पहले डिटेल से बता दिया था, रोस्टर ग्राफिक, रोस्टर ग्राफिक्स। ठीक, रोस्टर ग्राफिक्स आएगा इसका आंसर। बीट मैप इमेज फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो फाइल एक्सटेंशन क्या है, BMP, BMP। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। PNG क्या है, एक इमेज है, मैं आपको पूरा पार्ट 1 वीडियो में बता दिया, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कहां से और कैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
तो पीएनजी होता क्या है? तो पीएनजी मतलब एक इमेज कहें तो, जैसे कि देखिए अगर वीडियो पूछ दिया जाए, वीडियो क्या आ जाएगा MP4, ठीक। अगर हम बात करें ऑडियो की तो ऑडियो क्या होगा आपका? MP3, ठीक है जी, क्लियर हुआ? कहीं अगर डाउट है तो क्लियर आप कमेंट करके बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया सिस्टम का एक विशेषता है? तो ये आपका हाई स्टोरेज और हाई डाटा लेवल स्पेक्टर 2015 में पूछा गया है। ऑडियो कंप्रेशर किसके लिए उपयोग कर सकते हैं? तो स्पीच और म्यूजिक के लिए, ठीक। एक वीडियो किसका बना होता है? एक वीडियो बार बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाला टॉपिक, सॉरी ना, दो दो तीन दिन क्लास लेना पड़ता है जी। कल से ना पूरा छत्तीसगढ़ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, ठीक। एक वीडियो हो जाता है फ्रेम के तारतम्य से बना होता है, फ्रेम याद है ना आपको, फ्रेम के तारतम्य से बना होता है, तारतम्य से, फ्रेम के तारतम्य से बना होता है। चलिए, ऑडियो और वीडियो कंप्रेसर हर फ्रेम के छोटी ग्रिड में विभाजित होता है, हर फ्रेम ग्रिड में विभाजित होता है, उसको जो पिक्चर अवयव कहलाता है उसका पिक्सेल से नापा जाता है। किसका? पिक्सेल से, याद रखना, ठीक। मल्टीमीडिया का एक दोष है, तो कौन सा दोष है? COST, कॉस्ट, याद रखना, ठीक है। सीजी आपा में पूछा गया इमेज का छोटा रूप क्या कहलाता है? इमेज का छोटा रूप को क्या कहते हैं? बिट मैप। बिट मैप क्या कहते हैं? सबसे छोटा रूप, उसको थंबनेल कहा जाता है। थंबनेल, थंबनेल का मतलब जैसे हमारे यूट्यूब चैनल में जो थंबनेल लगा रहता है ना, वही है थंबनेल, आंसर डी होगा। ये सब अमीन पटवारी सीजी व्यापा में पूछा गया सभी का सभी क्वेश्चन, ठीक। निम्न में से कौन सा अमान्य वीडियो रिसोल्यूशन वीडियो का संकल्प है? बाप रे, एग्जाम में पूछा है जी ये 800x68:0, ये आप याद रखना। कौन सा है जो अमान्य वीडियो रिसोल्यूशन है? आपके व्यापम 2018 में पटवारी में और होशलवाड़ा में पूछा गया है। एक वीडियो किससे बना होता है? अभी मैं आपको बताया था, फ्रेम से। एक वीडियो जो होता है फ्रेम से बना होता है। ये AGDO 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप फुल फॉर्म है, संक्षिप्त में क्या होगा? क्या होगा? म्यूजिक, पिक्चर, इमेज या फिर फ्रेम? तो इसका आंसर होगा ज्वाइंट फोटोग्राफी इमेज से संबंधित है, ठीक। दो या दो से अधिक इमेज को मिश्रित कर, जब दो या दो से अधिक जो इमेज है फोटो को जब हम मिला देते हैं तो इमेज जो बनने की जो तकनीक होती है क्या कहलाती है? मॉर्फिंग। क्या कहलाती है? मॉर्फिंग, याद रखना, मॉर्फिंग। MPG किस प्रकार का फाइल है? तो मैंने आपको बताया था MPG, याद रखना है। MPG किस प्रकार का फाइल है? तो आपका वीडियो, ठीक है। क्या है? वीडियो। जो MPG होता है किस प्रकार का फाइल होता है? तो आपका वीडियो होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन नहीं है? तो कौन सा है आपका? भाषा सीखने के लिए सॉफ्टवेयर, ठीक, याद रखना। सही ऑडियो फाइल फॉर्मेट का चयन कीजिए, ठीक। तो सही ऑडियो फाइल का चयन करेंगे तो वेव, WAV, याद रखना, इसका आंसर होगा AU। AU मतलब होता है ऑडियो फॉर्मेट किस कंपनी ने डेवलप किया था? तो कौन से कंपनी ने डेवलप किया था? तो सन, याद रखना, SUN, सन, ठीक है, सन ने किया था। ये सीजी व्यापम में पूछा गया है 17 में। इनमें से कौन सा मल्टीमीडिया तत्व कंप्यूटर पर सर्वाधिक परफॉर्मेंस डिमांड करता है? तो कौन सा डिमांड करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक। कौन सा एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एनिमेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा।
माया, पाइथन या फ्लिप बुक या पाइथन, क्या होगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, आजकल माना एनिमेशन है तो फ्रेम रेट क्या होता है, तो 24 FPS। एनिमेशन क्या है, तो स्थिर चित्र को गति देना, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, पूरा जितने भी क्लासेस है पटवारी में या सीजी व्यापक में कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया। तो एनिमेशन क्या होता है, स्थिर जो रुका होता है, रुका हुआ जो चित्र होता है उसको क्या कहता है, गति प्रदान करता है, क्या करता है गति प्रदान, चलने का काम करता है, उसी को आप स्थिर चित्र को गति देना। ठीक है, एनिमेशन का मतलब होता है स्थिर चित्र को गति देना। देखिए आपको पटवारी में भी पूछा गया है, WMB, ये भी एग्जाम में पूछा गया, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि WMB क्या है, तो WMB क्या है, विंडो मीडिया वीडियो, क्या है विंडोज, ठीक विंडोज मीडिया वीडियो, ठीक है। एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको फ्रेम कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेम कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाएगा फ्रेम, आंसर सी होगा जी। निम्न में से कौन सा एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है, तो कौन सा एक मल्टीमीडिया फाइल है, तो आपका आ जाएगा टेक्स्ट पिक्चर ऑडियो वीडियो एनिमेशन, ये आप सभी का होगा। ठीक है जी, ये आपका मल्टीमीडिया फाइल होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता मल्टीमीडिया शिष्टता का है, मल्टीमीडिया क्या आएगा आपका, अधिक स्टोरेज और अधिक डाटा स्टोरेज। ठीक, नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, आप लोग इंतजार करिएगा, आज के लिए फिर इतना ही, थैंक यू।